अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। ये होता है सुबह सुबह डेली का काम, जहाँ हम आजकल सोते हैं। असल में बाहर अभी मौसम ज़्यादा की इतनी गर्मी नहीं है, इधर ही हमने एयर कूलर लगाया होता है तो यहीं सोते हैं। तो सुबह सुबह उठने के बाद फिर ये चादरें वगैरह ठीक करनी होती हैं, ताकि यानी कि अम्मी को ज़्यादा काम ना करना पड़े ना। तो यही सुबह सुबह जब उठे हैं तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बादल थे, लाइक था तो यही था कि बारिश आएगी, लेकिन वो नहीं आई। रात असल में काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी, तो जिसकी वजह से सारा घर यानी कि वो धूल मिट्टी वाला हो गया था। तो उसके लिए वो घर वगैरह धोया था, तो वो मैं वाइपर वगैरह लगा रहा हूँ। इसका फर्श धोया तो उसके आप वो वाइपर पे रहें ताकि वो पानी निकल जाए, क्योंकि पत्थर होता है ना, पत्थर के लिए वाइपर ज़रूरी होता है। तो ये मैं करने लगा काम। उसके बाद फिर ना मैंने साइकिल धोना है, साइकिल पे काफ़ी धूल मट्टी पड़ी हुई थी, वो घर खड़ा हुआ वैसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो अभी ये करेंगे इस्तेमाल वगैरह। ये काम तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ एक चारपाई आनी, वो मैंने पहले बाहर निकाल दी थी, तो क्योंकि पानी वगैरह साफ करने के लिए ना बाहर निकाल दी थी पहले मैंने, वो अब मैं सेट कर लेता हूँ वहाँ बस। हमारा ये जो एरिया है ना लैया, या ये जो गर्म एरिया सारा लैया मुल्तान, यहाँ आंधी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए जब आंधी आती है तो शाम को तकरीबन डेली आती है, डेली क्या है कभी जब भी आती है, हफ्ते बाद है जब भी, तो सारा इलाका ये है रेतला इलाका, रेत है सारी, तो धूल मट्टी से सारा इलाका भर जाता है, सारे कमरे सारे यानी कि सीन वगैरह। तो उससे फिर जो अगला दिन होता है इसी तरह सारा काम करना पड़ता है, सारा घर धोना पड़ता है। नमाज़ असर का टाइम हो गया है। अब मैं असल में ना जो घर में काम वगैरह करना था वो कर लिया सारा सारा, तो उसके बाद काम वगैरह करने के बाद हम क्या यानी कि यानी मैं कोई एक दो बजे सो गया था, तो उसके बाद उठा हूँ तो अब असर का टाइम हो गया था, तो असर मैंने पढ़ने के लिए ना इधर आया था मस्जिद में, ये मस्जिद है हमारे घर के साथ ही, तो असर पढ़ लिया। असर के बाद अब थोड़ी बहुत इधर वो कॉलोनी में वॉक वगैरह करनी है, कुछ ना कोई दुरुस्ती वगैरह पढ़ना होता है, तो उधर जा रहा हूँ मैं। अब इधर आ गया हूँ कॉलोनी में, साइड पे ये लड़के वगैरह बैक साइड पे ना खेल रहे होते हैं क्रिकेट, इधर भी और इस साइड पे भी। आज वैसे एक सैड न्यूज़ थी, हमारा एक सीनियर था हमारा यानी कि एम फिल का स्टूडेंट था वो, तो जैसे उसने एम फिल कम्प्लीट किया था तो उसकी जॉब हो गई थी 17 ग्रेड पे सीट इंस्पेक्टर की, तो वो आज फोत हो गया। अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, और आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो उसकी उसके लिए दुआ भी कीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
क्योंकि आपके कौन से को पैसे लगते हैं इस पर। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।